दिनचर्या क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं, जो दिख रहा है यही मोहल्ला आपको नजर आएगा। कभी भी यहाँ पर ना कोई सुविधा होती है, ना कोई सरकार आती है ना जाती है, ना विधायक ना सांसद, कोई नहीं, कुछ है ही नहीं। मतलब यहाँ पर यही अपना जरिया है, जो भी है इंसान अपने पैरों पे अपने बलबूते पे चलता है। खेती बाड़ी, भेड़ पालन, खेती बाड़ी भी यहाँ कुछ नहीं होता है, बंदरों ने साफ कर दिया। अब तो बंजर है खेत बाड़ी, इधर तो खेती बाड़ी तो कुछ है नहीं। साग सब्जी तक नमक के साथ रोटी खानी पड़ती है अब तो लोगों को। अभी राजमा है, कोई भी फसल होती है बरसात में, वो नहीं है, बंदरों ने तोड़ ताड़ करके साफ कर दिया था, कुछ भी नहीं है यार। इसका नाम है, हमने बंदरिया रखा है। हाँ। उसका नाम रामू है, उसका नाम जो है वो गोरे कहते हैं उसको, सफेद है ना वो, उसका नाम गोरा गोरा कहते हैं उसको। गोरा। हाँ, तो इसलिए उसको वही पुकारते हैं। और जो दूसरा था वो कहाँ गया, वो ऊपर है, है वो जो है उसका नाम मेड़ा है, मेड़ा ही कहते हैं। अब बगल में जो है वो जो भेड़ बगल में चुर गई है वो खुरु नाम है उसका। तो ऐसे फुगारते में भी आ जाते हैं। क्या नाम, इसका नाम क्या बोला? बंदरिया। और ये बीच वाले का? रामू। रामू रामू। रामू ले। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं, दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इतर से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इतर से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। भाई मैं कैसे जाऊं? देखो मैंने जो सामान बांधा है ना, इतनी दिक्कत हो रही है, इससे दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जो इसका ये वाला था बांधने वाला, ये टूट चुका है एक साइड से, और फिर रस्सी ली और ये रस्सी कुछ काम की आ नहीं रही है। और ऊपर से ये सड़क देखो आप, बिल्कुल ऑफ, फुल ऑफ रोड है,
और ऊपर के झरने आ रहे हैं वो और दिक्कत कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, मेरा पानी इधर उधर जा रहा है। तो अभी मैं था सबसे आगे चल रहा था प्रिंस, मैं था बीच में, सबसे पीछे था दिव्यांशु, और पता नहीं दिव्यांशु लेट कर दिया आने में, आ गया आ गया, उसके लिए रुका था मैं। तो अभी हम फुलवाड़ा से 2-3 किलोमीटर पीछे हैं, आप देख सकते हो रोड में झरना वगैरह भी बह रहा है, और यहाँ पर रोड एंड राइड दीपांशु भाई का ये कैरियर ही टूट गया यार, और ये देखो पूरा सामान गिर गया है। तो अभी हम सामान क्या कर रहे हैं, सामान सब भाई पैक कर रहे हैं, सामान हम दूसरे में दूसरी बाइक में लोड कर रहे हैं। देखो और अभी मौसम देखो कैसा हो रहा है, ये मानसून राइड है, मानसून राइड में बिल्कुल उम्मीद मत करना कि आपको मौसम अच्छा मिलेगा। ये देखो और ये पीछे रोड में ही पानी आ रहा है। हम अपने साथ कितनी भी चीज़ें समेट के चले ना कुछ पीछे छूट ही जाता है, और मेरे जो छोटे छोटे सपने थे ना, मैं इनका तिरस्कार नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रकृति के आगे मेरी एक भी ना चली। जो पिंडर का पानी था वो अपने फुल बहाव में बह रहा था और उसने सारे पुल उड़ा दिए थे, तो हमें वापस आना पड़ा खातेगांव से। लेकिन मैं आपको कुछ घूमने की बहुत अच्छी जगह बता देता हूँ, जो मेरी टॉप की जो मुझे जाना है वो है नंदीकुंड, फिर है पिंडारी ग्लेशियर, फिर है धाकुड़ी, फिर है देवीडूंगा। ये कुछ चीज़ें वहाँ पर है आपको खातेगांव के आसपास जो आप ट्रैक कर सकते हो, वहाँ मैंने जाने की सोची है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो मेरी वीडियो देख के जहाँ वहाँ जाना चाहता है तो अभी मत जाओ, कुछ टाइम रुक जाओ। देखो आप जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन मेरी मानो अभी मत जाओ। सितंबर 20 के बाद हमसे वहाँ के लोकल लोगों ने बोला है कि आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आपको बहुत सी जगह हम घुमा देंगे, लेकिन अभी मत जाओ। तो बस मैं वीडियो में यही कहूँगा कि अभी आप वहाँ जाओगे तो आपका समय और बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है, समय और पैसा के साथ साथ शायद ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि बहुत गंदी रोड है और कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो आप अभी रुक जाइए, सितंबर 15-20 के बाद जाइए। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, नमस्कार।